हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के आदेश के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं रद्द हो गई है, तो वहीं सीएम शिवराज ने कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। देखें ये खास रिपोर्ट। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना काल में राजनीतिक सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभाएं रद्द हो गई हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले को सीएम शिवराज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं इस फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। एक असमंजस की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में सभाएं हो सकती है और दूसरे हिस्से में नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमें न्याय मिलेगा। आज मेरी अशोकनगर के साडोरा और भांडेर के बराज में सभाएं थी। मैं दोनों जगह के भाई और बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं, मैं उन सभाओं में आज नहीं आ पा रहा हूं। हमने सभाएं निरस्त की है, क्योंकि हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने एक फैसला दिया है सभाएं न करने का है, वर्चुअल रैली करने का, या फिर चुनाव आयोग की अनुमति लेके ही कर सकते हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले के संबंध में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं, क्योंकि एक देश में दो विधान जैसी स्थिति हो गई। मध्य प्रदेश के एक हिस्से में रैली और सभा हो सकती है, दूसरे हिस्से में नहीं हो सकती। बिहार में आम सभाएं हो रही है, रैलियां हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के एक हिस्से में नहीं हो सकती। तो इस फैसले के संबंध में न्याय की प्राप्ति के लिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि न्याय मिलेगा, लेकिन आज मैं साडोरा और भरोच दोनों स्थानों के भाई बहनों से क्षमा प्रार्थी हूं। जल्दी आपके बीच में आऊंगा और सभा संबोधित करूंगा। नहीं देखिए, निश्चित रूप से सारा मामला संज्ञान में आया है और पार्टी इस बारे में विचार मंथन कर रही है। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वयं इस बाबत बयान दिया है कि इस मामले को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में इस समय प्रचार प्रसार चल रहा था, सारी चीज़ें चरम पर चल रही हैं और देखते हुए कोरोना का भी ध्यान हम लोग लगातार रख रहे हैं। आज जब चंबल में लगातार केसेस में कमी आ रही है, उसके बावजूद अगर हमारी रैलियों को रोका जाता है, हमारे प्रचार प्रसार को रोका जाता है, तो इसका आधार जो है कहीं ना कहीं जनता से जो वोट मांगने का हमारा तरीका है, उस पर भी पड़ने के असर इसमें उम्मीद है। और हमारा पूरा विश्वास है कि इस मामले को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो हमारा आग्रह स्वीकार करके इस मामले में रिलीफ देंगे। दरअसल कोरोना काल में राजनीतिक कार्यक्रमों से इस महामारी के ज्यादा फैलने को लेकर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने बुधवार को जारी एक आदेश में सभी तरह के राजनीतिक आयोजनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित करते हुए आधुनिक संचार साधनों से वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।